हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल आरएमटी ब्लॉग में। और गाइस, आज मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे रात में, वैसे हालांकि 10 दिन से बारिश हो रहा था, लेकिन रात में इतनी कड़ी बारिश हुई थी जिसके वजह से एकदम पूरी इधर तहस नहस हो गया था और पूरा इधर पानी भर गया था। और उधर जो क्वार्टर दिया हुआ था लोगों को रहने के लिए, उसमें सारा पानी भर गया था। और अभी यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट कराया गया है और सरकारी आदमी से अलर्ट भी किया गया है कि आगे इस तरफ आप जो देख रहे हैं, इस तरफ बांध है, बहुत बड़ा समुंदर है, तो उधर से मतलब अलर्ट किया गया है कि वहाँ से पानी ऊपर की ओर आने लगी है, तो वहाँ टूटने की खतरा है। इधर भारी, बहुत ही तेज गति से पानी आने वाली है, तो यहाँ से अलर्ट भी कर दिया गया है और मशीन भी लगा हुआ है पानी निकालने के लिए, वहाँ पर लगा दिया गया है। वहाँ पे मशीन भी लगाया गया है कि वहाँ से जब पानी आएगी तो उधर से निकल जाएगा। और इधर देख रहे हैं दोस्तों, पूरा भरा हुआ था पानी और पता नहीं आगे अभी क्या होने वाली है, तो देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, इधर पूरा पानी भरा हुआ था, किस तरह का हालात हो चुका है। और मैं अभी और भी दिखाने वाला हूँ आगे। और इधर आप जो देख पा रहे हो, इधर पूरा फैमिली वाले थे तो पूरा खाली हो गया है। देखिए इधर का क्या हालात है, किस तरह का पूरा बारिश पानी भर गया था पूरा रूम में। और ये अब जितना भी रूम्स आप देख रहे हैं, सभी में फैमिली वाले थे और ये लोग डर के मारे सब इधर से निकल गए हैं। देखिए दोस्तों, इधर का क्या हालात है, पूरा पानी भरा हुआ था इस तरफ से। और भाइयों, आप लोग इधर देख सकते हो, ये जितने भी आप देख रहे हो ये सब भरा पड़ा था। देखिए इधर के हालात क्या है, इस तरह का हालात सामने है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये गड्ढा। यहाँ पूरा पानी फुल हो गया था, उसके बाद फुल हो जाने के बाद फिर इधर रूम्स में, सभी रूम्स में आ गया, एकदम पानी भर गया। ये देखिए पौधे, ये सभी पौधे पूरा पानी में के नीचे चला गया था। और देखिए दोस्तों, आप इस तरह के यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहीं पे पूरा पानी भर गया था। और पानी भरने के बाद पूरा इधर फैमिली वाले रूम में सब में पानी भर गया था, बिल्कुल पूरा पैर घुस जा रहा था दोस्तों, इतना पानी भरा हुआ था। और ये घटना नाइट का था, इसलिए मैं दिखा नहीं पाया, उसमें नाइट में हुआ था। और नाइट में बारिश, हवा और बारिश इतना तेज था कि क्या बताओ भाई साहब। और ये देखिए पूरा रूम खाली हो गया है, कहीं भी कोई आदमी नहीं है। देखिए दोस्तों, पर्दा में आप देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हालात हुई थी यहाँ पे। तो देखिए पूरा पानी भर गया था किस तरह से। तो ये आप जो देख रहे हैं दरवाज़ा, ये भींगा हुआ, ये आप जो देख रहे हैं पूरा इतना इतना पानी भर चुका था यहाँ पे। भैया आप ही लोग रहते हैं रूम में? वो लोग हमें, भैया कितना पानी भर गया था आप लोगों का? रात में करीब 4 बजे के आसपास आया था, इतना इतना पानी पूरा रूम में घुस गया, बाढ़ आया पूरा उधर से अचानक आया। हाँ। पूरा इधर बहने लगा, देखिए इधर पूरा गड्ढा उड्ढा हो गया है, थोड़ा गड्ढा दिखाइए सर उधर। आप लोग तो सोए हुए होंगे? हम लोग सोए थे, अचानक पानी है और सोचे क्या हो गया, देखे तो पूरा पानी इतना इतना हो गया। हाँ। पूरा पानी गोटे भर गया था, अभी फिलहाल अभी ठीक है, पर बारिश भी रुक गया है। तो कंपनी वाले साहब जी कुछ बोले, क्या बोले? सचेत रहने के लिए बोले, सचेत रहने के लिए बोला, अगर कुछ हम सूचना मिलेगा, बगल में डैम है, कोई प्रकार का अगर दिक्कत होगा तो बताएंगे, तो सब इधर डंपिंग पे चढ़ जाना ऊपर। देखिए भाइयों, मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से यहाँ पे बारिश हुई थी और काफ़ी परेशान है यहाँ पे लोग, ड्राइवर भाई लोग हैं, सब लोग बाहर से हैं, झारखंड से हैं और काफ़ी परेशान है। रात में सोए हुए थे और 4 बजे के लगभग जब पूरा खटिया तरफ पानी भरने लगा तो ये लोग पूरी तरह से अकबका गए कि क्या करना है। और फिलहाल बता रहे हैं ठीक है, लेकिन इधर जो फैमिली वाले रूम थे, इधर जो वो सभी लोग इधर से चले गए हैं, उनको लोगों को दूसरे तरफ शिफ्ट किया गया है। लेकिन कंपनी का जो मेन इंचार्ज है वो बोले हैं कि मतलब आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के लिए सेफ्टी का प्रबंध किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोग
वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दुआ जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हम लोग सब अपने अपने घर आराम से जा सके। ये कहर पानी, इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, हम लोग इससे बचने के लिए हम लोग इधर से जल्द हम लोग जाने वाले हैं। तो दुआ जरूर कीजिएगा कि हम लोग सेफ्टी से अपने अपने घर पहुंचेंगे। तो दोस्तों ब्लॉग को करते हैं एंड, और सब आप लोग खुश रहिए और दुआ कीजिएगा ताकि हम लोग भी खुशी खुशी अपने घर जा सकें।